In the previous lecture, we have discussed about atomic number and mass number, and today we are going to start relative atomic mass and atomic mass unit. So ये topic ये बहुत ही आसान है, बस आपको concentration से सुनना है जो मैं बताऊँगा आपको. उसके बाद आपको ये बहुत ही easy लगने वाला है, और ये है भी easy. लें जी, तो सबसे पहले मैं आपको example देता हूँ. तो example देखिएगा ज़रा. लें जी, लेट्स सपोज कि आप एक दुकान के पास जाते हैं, दुकानदार के पास जाते हैं, दुकान वाले के पास जाते हैं, फ्रूट्स की दुकान है. तो आप उसे कहते हैं कि मुझे 1 kg स्ट्रॉबेरीज़ दे दें, मुझे 1 kg स्ट्रॉबेरीज़ दे दें. तो वो क्या करता है कि एक साइड में वो वेट रखता है. फर्ज़ कर लिया हमने 1 kg का कहा, तो एक उसके पास डिफरेंट साइज के वेट्स होते हैं, 1/2 kg का, 2 kg का, 5 kg. तो आपने उसे कहा कि मुझे 1 kg स्ट्रॉबेरीज़ दे दें. तो उसने एक साइड पे वो 1 kg का वेट रख दिया, ठीक है. और दूसरी साइड पे उसने क्या किया, दूसरी साइड पे उसने स्ट्रॉबेरीज रख दी, ठीक है. अच्छा जी, अब वो इसके अंदर स्ट्रॉबेरीज तब तक डालता रहेगा तब तक ये दोनों बैलेंस ना हो जाए, एक लेवल पे ना आ जाए दोनों. लेट्स सपोज कि ये इक्वल हो गए, बराबर हो गए. उसने कहा कि ले जी 1 kg स्ट्रॉबेरीज हो गई हैं, ये लें आपकी 1 kg A1 kg स्ट्रॉबेरीज, ठीक है. तो हमने अब किया क्या, इधर हमने इन स्ट्रॉबेरीज को, सॉरी, हमने इन स्ट्रॉबेरीज को इसके साथ कंपेयर किया. ऐसे ही किया ना, यहाँ पे हमने 1 kg वेट रखा, उसके बाद हमने स्ट्रॉबेरीज डालते गए तब तक कि ये इसके बराबर ना हो जाए. हमने इतनी स्ट्रॉबेरीज इसके अंदर डाली, तो हमने क्या किया, हमने स्ट्रॉबेरीज को इसके साथ कंपेयर किया ना, ऐसे ही है. तो कंपेयर किया हमने, इसलिए इसको कहेंगे रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ दिस. मतलब यहाँ पे उसने जो भी स्टोन रखा या कुछ भी रखा था इधर 1 kg का, तो ये इसका रिलेटिव एटॉमिक मास हुआ, ऐसे ही है. अच्छा जी, अब इन द सिमिलर मैनर, अगर हम, लेट्स सपोज अगर मैं ऑक्सीजन का फाइंड करना चाहता हूँ मास, तो मैं यहाँ पे 1 kg तो बिल्कुल नहीं रख सकता, क्योंकि बहुत ही छोटे होते हैं. 1 kg तो क्या है, तो 1 gram का भी नहीं होगा, ठीक है. तो मैं इनको इस तरह से फाइंड नहीं कर सकता. तो साइंटिस्ट ने क्या किया, साइंटिस्ट ने एक स्टैंडर्ड बना दिया. जिस तरह ये एक स्टैंडर्ड किस्म का वेट है ना, यहाँ पे 1 kg एक स्टैंडर्ड वेट है. उन्होंने भी एक स्टैंडर्ड किस्म का वेट बनाया, एक स्टैंडर्ड बनाया, वेट तो नहीं बनाया. उन्होंने कहा कि हर एलिमेंट को कार्बन 12 के साथ कंपेयर किया जाए, ठीक है. कार्बन के साथ ही क्यों करते हैं, बाकियों के साथ क्यों नहीं करते. कार्बन अबंडेंस से मौजूद है हमारी अर्थ के ऊपर, काफ़ी ज़्यादा मिकदार में नेचुरली अक्कर करता है ये हमारी अर्थ के ऊपर सबसे ज़्यादा, ठीक है. इसलिए हमने इसको स्टैंडर्ड बना लिया. स्टैंडर्ड उसी चीज़ को बनाया जाता है जो अबंडेंस में होती है, जो ज़्यादा होती है, ठीक है. इससे पहले जो हमारा स्टैंडर्ड था वो हाइड्रोजन था, लेकिन उसके ड्रॉबैक्स बहुत थे, क्योंकि वो एक तो गैस था, उसके बाद उसकी फ्लेमेबिलिटी बहुत ज़्यादा थी, ठीक है. तो एक्सप्लोसिव था, इसलिए उसको हटा दिया गया. उसके बाद कार्बन को नया स्टैंडर्ड बनाया गया, ठीक है. मैंने आपको रीज़न भी बता दिया कि क्यों, इसके पीछे लॉजिक क्या है. तो जी, लेट्स सपोज कि मैं यहाँ पर C12 रख देता हूँ, C12, और यहाँ पर भी C12 रख देता हूँ. C12 मीन्स कार्बन 12. इसको कार्बन 12 इसलिए कहते हैं क्योंकि कार्बन का जो वेट होता है, सॉरी, कार्बन का जो एटॉमिक मास है, दैट इज़ 12, इसलिए इसको कार्बन कहते हैं, कार्बन 12 कहते हैं. अच्छा जी, अब दोनों में बराबर बराबर वेट है, तो आपको पता ही है कि ये एक लेवल पे होंगे, ऑब्वियस ही बात है, ऐसे ही है ना, कि एक लेवल पे होंगे, एक बराबर होंगे, इक्विलिब्रियम में होंगे, क्योंकि सेम वेट है, ठीक है. अच्छा जी, तो मैं अगर ये कार्बन 12 है, मतलब कि 12 यूनिट्स से मिलकर बना हुआ है, तो मैं ऐसा कर सकता हूँ कि मैं इसको 12 यूनिट्स ही लिख दूँ, इधर 12 यूनिट्स बना के बना दूँ इसके. 1 unit, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 and 12. लें जी, तो ये देखें, ये कार्बन 12 इन 12 यूनिट्स के बराबर है. तो मैं क्या लिखूँगा, कार्बन 12 इज इक्वल्स टू 12 यूनिट्स ऑफ कार्बन. मैं इसको इसके साथ कंपेयर कर रहा हूँ ना, मैं
इस चीज़ को इसके साथ कंपेयर कर रहा हूँ, ऐसे ही है, मैंने कार्बन 12 को इसके साथ कंपेयर किया, ओके हो गया। अच्छा जी, इसलिए मैंने लिखा इधर 12 यूनिट्स ऑफ कार्बन। लेट सपोज मुझे अब कार्बन का नहीं, मुझे ऑक्सीजन का वेट फाइंड करना है, मैंने मास फाइंड करना है, मैंने ऑक्सीजन को यहाँ पे रखा। लेट सपोज आपने ऑक्सीजन को जैसे ही यहाँ पे रखा, आपने जैसे ही ऑक्सीजन को यहाँ पे रखा, ये वाला जो साइड थी ये नीचे चलेगी। ये नीचे कब जाती है? जब इधर वाला वेट ज़्यादा होगा तो ये ऑब्वियसली बात है नीचे चली जाएगी और ये ऊपर हो जाएगी क्योंकि इसका वेट कम था। लेट सपोज कि मैंने ऑक्सीजन को यहाँ पे प्लेस किया, ये चीज़ नीचे आ गई। अब होगा क्या कि इसका मतलब है कि ये ज़्यादा है, मुझे यहाँ पे इन दोनों को बराबर करने के लिए, जब नीचे आ जाएगा इन दोनों को बराबर करने के लिए, इसको वापस ऊपर ले जाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? इसमें और वेट जो है वो ऐड करना पड़ेगा, और वेट ऐड करना पड़ेगा मुझे इसके अंदर। लेट सपोज कि ये यहाँ से मूव करके, ये यहाँ से मूव करके, ये यहाँ से मूव करके यहाँ पे आ गया। अब देखो ये बराबर नहीं है, ऐसे ही है। तो लेट सपोज मैंने इसके अंदर एक यूनिट ऐड कर दिया, थोड़ा सा ऊपर चला गया, मैंने एक और यूनिट ऐड कर दिया, ये थोड़ा सा और ऊपर चला गया, मैंने एक और यूनिट ऐड कर दिया, थोड़ा सा और ऊपर चला गया, और जब मैंने एक और यूनिट ऐड किया तो मैं ये बराबर हो गए दोबारा। दोबारा क्या हो गए? बराबर हो गए। बराबर कैसे हो गए? ऐसे, यूं करके। अब देख लें दोनों बराबर हो गए, इक्विलिब्रियम में आ गए, एक लेवल पे आ गए दोबारा दोनों के दोनों। तो इससे क्या हुआ, जब मैंने फोर यूनिट्स और ऐड कर दिए, 12 तो इसके अंदर पहले ही थे ना कार्बन के, और मैंने फोर ऐड कर दिए जब और, तो हुआ क्या कि ये हो गया 16 और ये बराबर हो गए। तो हमें पता चला कि ऑक्सीजन का जो एटॉमिक मास है दैट इज 16, ठीक है। ऑक्सीजन इज इक्वल्स टू 16 यूनिट्स ऑफ कार्बन। आइए आपको समझ में, मैंने कैसे कंपेयर किया। लेट सपोज टेक अनदर एग्जांपल के हम नाइट्रोजन ले लेते हैं। लेट सपोज हमने क्या ले लिया, नाइट्रोजन को कर लेते हैं। नाइट्रोजन मैंने यहाँ पे रख दिया। अब मुझे नहीं पता इसका मास क्या है, ये अननोन मास है, मुझे फाइंड करना है इसका क्या मास है। अच्छा जी, अब यहाँ पे 12 यूनिट्स ऑफ कार्बन मैंने रखे हुए हैं, इतना मुझे पता है, वो मेरे यूनिट स्टैंडर्ड जो यूनिट था हमारा वो है। जिस तरह 1 kg था, यहाँ पे 1 kg स्टैंडर्ड मास है ना, मैंने कार्बन 12 को स्टैंडर्ड बनाया हुआ है, ठीक है। 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ठीक है। लेट सपोज मैंने ऑक्सीजन को यहाँ पे, मैंने नाइट्रोजन को यहाँ पे रखा, नाइट्रोजन को यहाँ पे रखा तो ये नीचे चला गया, ये नीचे चला गया। नीचे जाने का मतलब क्या है कि ऑब्वियस ही बात है ये ज़्यादा वज़नी हुआ पड़ा है, ये इसके अंदर ज़्यादा वज़न है, इसके अंदर ज़्यादा वज़न है, इसके अंदर ज़्यादा वज़न है एज़ कम्पेयर टू दिस वन, क्योंकि ये नीचे हुआ पड़ा है ना। तो इसको ऊपर ले जाने के लिए, इसको ऊपर करने के लिए मुझे इसमें समथिंग ऐड करना पड़ेगा। लेट सपोज कि मैं यहाँ पे, मैंने यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन ऐड, एक यूनिट ऐड कर दिया, ये थोड़ा सा ऊपर चला गया, ठीक है। मैंने एक और यूनिट ऐड कर दिया, ये बराबर हो गया। बराबर कैसे हो गया? बराबर ऐसे हो गया, ले जी, ये दोनों बराबर हो गए, ये दोनों बराबर हो गए। तो मैंने कितने ऐड किए इसके अंदर? 12 तो इसके अंदर पहले ही थे, मैंने इसके अंदर और कितने ऐड कर दिए? 2 और ऐड किए, तो ये क्या बना? 14। तो हमें यहाँ से पता चला कि जब इक्विलिब्रियम में आया तो इसके अंदर 14 यूनिट्स थे। तो मैं क्या लिखूँगा, N इज इक्वल्स टू 14 यूनिट्स ऑफ कार्बन, ठीक है। आई होप कि आपको अंडरस्टैंड हो गया होगा। बड़े इजी वे में मैंने आपको बताया कि रिलेटिव एटॉमिक मास क्या होता है। अब हम आ जाते हैं एटॉमिक मास यूनिट के ऊपर, AMU के ऊपर, AMU के ऊपर, दैट इज नोन एज एटॉमिक, एंड M स्टैंड्स फॉर मास एंड U स्टैंड्स फॉर यूनिट्स। So atomic mass unit, this thing is also represented by U, and that is known as
यूनिफाइड मैस, यूनिफाइड मैस, ओके। सो ये एम यू होता क्या है, जिस तरह हमने अभी कहा कि हमने कार्बन 12 को 12 पार्ट्स के अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया था, डिवाइड कर दिया था, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। अगर मैं अब यहाँ से इस कार्बन का एक हिस्सा ले लेता हूँ, ये एक यूनिट में लेता हूँ, सिर्फ यहाँ से एक यूनिट ले लिया, तो क्या हुआ, टोटल थे 12 और मैंने लिया एक, तो ये बन गया 1/12। ये जो चीज़ है हमारे पास, दैट इज़ नोन एज, दिस इज़ नोन एज ए एम यू, एटॉमिक मास यूनिट, एंड दिस थिंग इज़ ऑल्सो रिप्रजेंटेड बाय यू, एंड यू इज़, आई ऑलरेडी टोल्ड यू दैट यू इज़ यूनिफाइड मास, यू इज़ वट, यूनिफाइड मास। नहीं जी, तो और वन मोर इम्पोर्टेंट थिंग, कि जो ये एटॉमिक मास है, इसकी जो एक और वैल्यू है, दैट इज़ 1.66 × 10⁻²⁴ ग्राम्स, ये भी इसकी ही वैल्यू है। अब ये यूज़ कहाँ पे होती है, इसको कैसे यूज़ करते हैं, वी विल डिस्कस दिस इन द नेक्स्ट लेक्चर। और आज के इस लेक्चर को हम यहीं पे रखते हैं, और इसे नेक्स्ट हम नेक्स्ट लेक्चर में कैरी ऑन करेंगे, ठीक है।